हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे करेज द कवर्डली डॉग के माँ बाप भी थे जो आउटर स्पेस में रहते थे। वैसे आउटर स्पेस से मुझे याद आ रहा है, क्या आपने कभी सोचा था कि नोबिता, जो अपने एल फॉर लेजी और एल फॉर लाचारी के लिए जाना जाता था, जो हर वक्त डोरेमोन के गैजेट्स पर निर्भर रहता था, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो एक फेमस साइंटिस्ट बन जाएगा। इतना शौक मत हो जाओ, क्योंकि था तो वो एक कार्टून सीरीज यार। लेकिन एक मिनट, ये जो कार्टून सीरीज है, क्या ये सेलिब्रिटीज के लाइफ की तरह कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है? मेरी मानो तो हाँ, क्योंकि लूनी ट्यून्स यूएस का हाई रेटेड सीरीज काफी कंट्रोवर्सीज से भरा था, जिसके चलते उस शो के कई एपिसोड को भी डिलीट किया गया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वेल, ये सभी का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेगा, जिसका टाइटल है लास्ट एपिसोड ऑफ कार्टून्स एंड एनिम। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले कार्टून शो पर। नंबर वन, करेज द कॉवर्डली डॉग, रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट और परफेक्ट। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कार्टून देखा होगा, पर क्या आपने कभी भी करेज को हिम्मत वाला बनते इमेजिन किया है? अगर नहीं तो आपको इसके लास्ट वीडियो में शायद कुछ ऐसा दिख जाएगा। इस कार्टून में करेज को हमेशा डरपोक डॉग दिखाया गया था और वो कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर पाता था। लेकिन सभी सीरीज में से रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट और परफेक्ट वाली एपिसोड में जब करेज मिसिंग डॉग्स की लिस्ट में देखता है तो उसे उसके खोए हुए पेरेंट्स की याद आ जाती है, जिन्हें उसने अपने बचपन में ही खो दिया था, वो भी एक पागल डॉक्टर की वजह से, जो उसके माँ बाप को पकड़ के आउटर स्पेस में भेज देता है। और इस घटना को याद करके वो काफी अपसेट हो जाता है, जिससे मेरुल को लगता है कि वो डिप्रेस है। इसीलिए वो उसे दुर्भाग्य से सेम डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां वो डॉक्टर उसके साथ भी वही करने की कोशिश करता है जो उसने उसके पेरेंट्स के साथ किया था। लेकिन करेज ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया और उस दिन उसमें अचानक से हिम्मत आ जाती है, जिससे वो अपने साथ साथ मुरेल और यूस्टिस को भी बचा लेता है। ऐसा मैंने भी कभी सोचा ना था, पर चलो अच्छा है, एटलीस्ट सीरीज खत्म होने तक करेज में करेज तो आई। जिसके सेकेंड हाफ में यूस्टिस करेज के लिए एक टीचर अपॉइंट करता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि करेज कोई भी काम परफेक्टली नहीं करता और उसे एक परफेक्ट डॉग बनाने के लिए लेसन्स जरूरी हैं, जिसमें अंत तक करेज वैसा ही रहता है और अपने में कोई चेंजेस नहीं आने देता। और ये करके वो प्रूव करता है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। है ना इसकी एंडिंग अच्छी? अब इतनी अच्छी स्टोरी सुनी है तो थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो करेज द कॉवर्डली डॉग एक अमेरिकन एनिमेटेड हॉरर सीरीज थी, जिसे जॉन आर डिलवर्थ ने कार्टून नेटवर्क के लिए क्रिएट किया था। फरवरी 18, 1966 में मिस्टर डिलवर्थ ने सिर्फ 7 मिनट का वीडियो शो किया, जिसका प्रीमियर 1999 को हुआ और सिर्फ 2002 तक ये शो चला, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये शो बहुत स्कैरी है और इसमें हॉरर कंटेंट शो किया है जो बच्चों के लिए डरावना भी हो सकता है। नंबर टू, मिस्टर बीन, ट्रॉफी बीन। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि जितने भी नॉन ब्रिट्स हैं, वो प्रिंस कैथरीन, जो प्रिंस विलियम की वाइफ अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर क्वीन है, उन्हें लोग इतना नहीं जानते जितना मिस्टर बीन को। उन्होंने तो क्वीन को भी पॉपुलैरिटी के रेस में पीछे छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो मिस्टर बीन का कैरेक्टर काफी क्वर्की एंड सेल्फिश था, और कुछ ऐसा ही उसके लास्ट एपिसोड में भी दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जानने के लिए आपको मिस्टर बीन का लास्ट एपिसोड, जिसका नाम ट्रॉफी बीन था, उसका ये क्लिप देखना पड़ेगा, जिसमें उसे अपने लैंडलेडी मिसेस विकेट के नेफ्यू की बेबी सिटिंग करनी होती है। उस बच्चे ने 2 टिकट्स जीते थे आउटवर्ड बाउंड के, और उसके साथ मिस्टर बीन को जाना पड़ा था, क्योंकि लैंडलेडी मना कर देती है जाने से। वहाँ पहुँचते ही मिस्टर बीन और उस बच्चे के बीच कंपटीशन होने लगता है ट्रॉफी जीतने के लिए। दोनों वहाँ बहुत से एडवेंचरस गेम खेलते हैं और सभी में मिस्टर बीन आगे रहता है। कम ऑन, एक बच्चे से कंपटीशन करोगे तो जीतोगे ही ना। पर फिर भी एपिसोड के अंत में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक स्टंट में मिस्टर बीन फंस जाता है, जिससे निकलने में मिसेज विकेट का नेव्यू उसकी हेल्प करता है। लेकिन वो वहाँ एक कंडीशन रखता है कि वो हेल्प तभी करेगा जब उसे प्राइज में ट्रॉफी मिलेगी, जो कि सिचुएशन का एडवांटेज लेने जैसा था। लेकिन ऐसा ही होता है और नेफ्यू उसकी हेल्प करके गेम जीत जाता है। ये देख मुझे एक ही चीज याद आती है, कभी कभी बच्चे कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं, जैसे उस बच्चे ने दिमाग लगाया। बिल्कुल वैसे ही टाइगर एस्पेक्ट प्रोडक्शन ने भी, क्योंकि मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज टोटली बेस्ड था ब्रिटिश लाइव एक्शन सीरीज मिस्टर बीन पे। यहाँ तक कि कैरेक्टर्स भी सेम रखे गए, जैसे मिस्टर विकेट, कैट, टेडी, इरमा गॉव वगैरह। मिस्टर बीन की फर्स्ट सीरीज 2002 से लेकर 2004 तक चली थी। ये एनिमेटेड सीरीज इतनी फेमस हुई थी कि इसके 52 एपिसोड्स बने थे, कंपेयर टू द ओरिजिनल वन जिसके सिर्फ 15 एपिसोड्स थे। यहाँ तक कि इसका वॉइस ओवर भी ओरिजिनल कैरेक्टर से ही करवाया गया था। नंबर 3, डोरेमोन। अब अगर मैं कहूँ कि सूरज दिन की जगह कल से रात में उगेगा, तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं ना।
लेकिन ऐसा ही कुछ डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में भी हुआ था। नहीं नहीं, सूरज रात में नहीं उगा था, बल्कि नोविता जिससे हमने हर वक्त आलसपन काम चोरी करते देखा है वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत ही नोविता से होती है जहां वो डोरेमोन से गैजेट्स मांगता है, पर उसे पता नहीं होता कि डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से वो खराब हो गया है और उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे डोरेमोन को ठीक किया जा सके। इसी के चलते नोविता ठान लेता है कि वो मस्तियां छोड़ नॉलेज पाने में अपना पूरा समय लगाएगा ताकि वो डोरेमोन को ठीक कर सके। एंड एट लास्ट ऐसा ही कुछ होता है। नोबिता एक फेमस साइंटिस्ट बनके साथ साथ डोरेमोन को भी ठीक कर लेता है। हालांकि उसमें कई साल बीत जाते हैं, पर इस बात से बेखबर डोरेमोन जब होश में आता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाय, क्यूट तो था वो, लेकिन जो भी बोलो हमारे दोस्तों ने तो बस हमें बिगाड़ा है। दोस्ती कुछ ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ ही बदल दे। नंबर 4, बेन 10, गुड बाय एंड गुड रिडेंस। भाई जब हम 10 साल के थे तब हम स्कूल और ट्यूशन में ही अटक के रह जाते थे, लेकिन ये मैन ऑफ एक्शन वालों की तो थिंकिंग ही बहुत फाड़ू है। एक 10 साल के बच्चे को एलियन से लड़वा दिया, क्या हुआ नहीं समझे? फ्रेंड्स, मैं बेन 10 की बात कर रहा हूँ, जिसका असली नाम बेन टेनिसन था, जिसे एज यूजुअल उसके लास्ट एपिसोड में भी लड़ते हुए दिखाया है, जिसका नाम है गुड बाय एंड गुड रिडेंस। और हमेशा की तरह उसकी मदद के लिए वहाँ उसके साथ अंकल मैक्स और ग्यून दोनों होते हैं। पर अब समय था मैक्स ज्यून के घर जाने का, क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो चुका था, बट बेन को वापस घर नहीं जाना था क्योंकि उसके लिए फिर से सब कुछ बोरिंग सा हो जाता। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर अंकल मैक्स उन दोनों को घर छोड़ देता है। फिर एज यूजुअल वो ही बोरिंग लाइफ। लेकिन दूसरे दिन अचानक से बेन के स्कूल में ड्रोन्स आ जाते हैं और बच्चों पे हमला कर देते हैं, जो बेन से देखा नहीं जाता, और वो डायमंड हेड बन के वापस आता है और सबको बचा लेता है। इस लड़ाई के बीच बेन के दोस्त कैश एंड जेटी को भी बेन की असलियत पता चल जाती है, पर अचानक से वहाँ डॉक्टर एनेमो आ जाता है कुछ म्यूटेटेड एनिमल्स के साथ, जिसे देख बेन अपना ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली एक इशारा था कि लड़ाइयाँ आगे भी होंगी। अब स्टोरी तो हो गई, लेकिन इसके पीछे जिन्होंने मेहनत की है थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। बेन 10 सीरीज को मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने बनाया था और इसके राइटर्स थे डंकन रोलियो, जोए कैसे, जोए केली और स्टीवन टी सीगल। मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने बेन 10 जैसे सीरीज के साथ साथ अल्टीमेट स्पाइडरमैन और मार्वल के साथ भी कई सीरीज बनाए हैं। इस सीरीज की शुरुआत 27 दिसंबर 2005 को हुई थी और कुछ 3 साल तक चला, और 15 अप्रैल 2008 को इसका फाइनल एपिसोड दिखाया गया था। नंबर 5, लूनी ट्यून्स सुपर रैबिट्स। लूनी ट्यून्स बच्चों का मनपसंद शो हुआ करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो के कई एपिसोड को डिलीट करना पड़ा था क्योंकि ये शो एक टाइम पे कंट्रोवर्सी बन गया था। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही बताने के लिए। पर उसके पहले लूनी ट्यून्स के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था ये जान लेते हैं। तो लूनी ट्यून्स का लास्ट एपिसोड था सुपर रैबिट, जिसमें बक्स बनी एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसे ये पता चलता है कि टेक्सास में कॉटन टेल स्मिथ हंटर सारे रैबिट्स को खत्म कर रहा है। बक्स बनी को लगता है कि वो उनका मसीहा बन उन्हें बचाएगा, और सुपरमैन का ड्रेस पहन उड़ के वो टेक्सास पहुंच जाता है। हालांकि वो ऐसा सोच के जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाता और वो एट लास्ट सरेंडर कर देता है। एंड द एपिसोड एंड्स। वैसे लूनी ट्यून्स उस समय लोगों का काफी चहीता शो था, जो कि एक अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज है जिसे वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया था। इसकी ओरिजिनल सीरीज 1930 से 1969 तक बनी थी। हालांकि उसके बाद उसके काफी फ्रेंचाइज आए, पर उनको इतनी रेटिंग्स नहीं मिली जितनी बाकी के शोज को। इसी सीरीज के साथ एक और एनिमेटेड सीरीज को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था मैरी मेलोडीज, और इसी वजह से इसे सिस्टर सीरीज भी कहा जाता है। 1930 में लूनी ट्यून्स की फिल्मिंग ब्लैक एंड व्हाइट में की जाती थी और 1943 में इसकी पहली कलर सीरीज फिल्म की गई थी, पर मैरी मेलोडीज को 1934 से ही कलरफुल सीरीज में रिलीज किया जाता था। लेकिन ये शो फेमस तो हुआ पर ज्यादा देर चल नहीं पाया, क्योंकि कुछ साल बाद इसे बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि ये शो बहुत ही ऑफेंसिव है और इसमें रेसिज्म पोर्ट्रे किया गया है। अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट एल्मर फर्ड हंटर कैरेक्टर, उसे भी अपोज किया गया क्योंकि उसके हाथ में एक शॉटगन होती थी, जिससे ऑडियंस खुश नहीं थी क्योंकि उस समय अमेरिका में गन वायलेंस देखने को मिला था, और उसके शॉटगन को स्काइट से रिप्लेस किया गया। तो दोस्तों, ये तो थे मेरे कुछ मनपसंद कार्टून्स, पर अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सा कार्टून पसंद है या आप इनमें से कौन सा कार्टून देखते थे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।